नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सांगवान आज फिर ले आया हूँ एक मजेदार सवाल। आज मैं बात करने वाला हूँ आईपीएल की उस महान टीम की जिसके दर्शन तो बहुत बड़े बड़े हैं बट उसकी किस्मत इतनी ही खराब है। तो दोस्तों आप समझ तो गए होंगे मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आरसीबी की। तो चलिए देखते हैं दुनिया का क्या रिएक्शन है आरसीबी टीम को लेकर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आरसीबी के साथ जो 10 साल से घट रहा है, उनकी किस्मत खराब है, वो जीत नहीं पा रहे इतनी अच्छी टीम होते हुए भी, तो इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? विराट कोहली को ज़रा इमोशनल नहीं होना चाहिए कैप्टन कूल एमएस धोनी की तरह, यानी आराम से टीम को साथ में लेके चले, ज़्यादा कुछ अपने में नहीं रहे, इमोशनल ज़्यादा नहीं हुए, सबके साथ है, अच्छी तरह गेम प्ले करे बस। बट कोहली इंडिया टीम का अच्छा कैप्टन है लेकिन आरसीबी का अच्छा नहीं हो पा रहा। इंडिया टीम में उसको गाइडेंस अच्छा मिल जाता है, सब कैप्टन उसके साथ में होते हैं, यहाँ सब अगेंस्ट होते हैं एक दूसरे के। एक्चुअली उनकी थोड़ी सी फील्डिंग वीक मुझे नज़र आ रही है और सेकेंड थिंग विराट कोहली अपने बैटिंग आई नो बहुत अच्छा करता है बट थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा करनी चाहिए। वो वर्ल्ड कप में तो मतलब इंडिया की टीम में तो बहुत अच्छा खेलते हैं बट वाई इज नॉट सक्सेसिंग इन IPL वी डोंट नो बट ही नीड सम प्रैक्टिस। यार वर्ल्ड कप 2019 के लिए मिडल ऑर्डर के लिए बेस्ट बैट्समैन कौन लगता है आपको, मिडल ऑर्डर जैसे कि इंडिया में वीक अभी? नहीं, विराट कोहली अच्छे हैं, विराट कोहली, रविंद्र जाडेजा, दिनेश कार्तिक काफी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आरसीबी को ओनर को कैप्टन चेंज कर देना चाहिए या फिर? नॉट एट ऑल, विराट कोहली इज विराट कोहली, वो उसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं कर सकता बट वो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेलता है। आईपीएल में उसका रीजन भी होगा कि हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते कि वो क्यों नहीं जीत रहा है, वो हम लोग प्योर ही एकदम अच्छा। भाई ये भाई गदर फैन है विराट कोहली की, ऐसा लग रहा है शेरा वाली माता आ जाएगी मेरे को मार डाले कि मैंने ऐसा बोल दिया। तो ऐसा नहीं बोल रहा मैं कुछ, लेकिन फिर भी जैसे साउथ अफ्रीका की थोड़ी किस्मत गंदी है, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती, ऐसा ही कहीं IPL नहीं जीत पाती भी हो जाता है फिर कि सामने वाली टीम बहुत भारी पड़ जाती है उनसे या लक हो जाता है। ओके, वो वाला जैसे आरसीबी 10 साल से IPL हार रही है तो उसके ऊपर आप क्या राय आपकी कि IPL को जीतने के लिए क्या करना चाहिए उनको? आरसीबी को तो सबसे पहले टॉप ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ IPL मैं देखता आई हूँ कि आरसीबी फील्डिंग में या फिर बैटिंग या बॉलिंग दोनों में किसी में तो कमज़ोर होती ही है। सही बात, तो इसलिए आरसीबी को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। विराट कोहली उनका कैप्टन है, विराट कोहली अच्छा है पर उसकी टीम को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए और उसको भी। भाई मैं चाहूँगा इस भाई को कोच लगा लो बेटा, भाई बहुत अच्छा बंदा है, सही बोल रहे हैं, फील्डिंग 11-11 कैच छोड़ते हो आप लोग, थोड़ी शर्म करो। इंडियन टीम में मिडिल ऑर्डर में बेस्ट बैट्समैन कौन रहेगा वर्ल्ड कप के लिए? धोनी ऑफ कोर्स, विराट कोहली ऑब्वियसली, नहीं एबीडी विलियर्स भी है इंडियन टीम में, तो धोनी एंड विराट। ओके, मैं मुंबई इंडियंस सपोर्टर, ये सर CSK सपोर्टर, लेकिन हम बात करेंगे दोनों ना मुंबई की ना CSK की, हम बात करेंगे धोनी की, RCB की। नहीं नो धोनी, RCB के साथ जो 10 साल से घट रहा है, इनकी किस्मत खराब है, वो जीत नहीं पा रहे IPL, क्या रीजन लगता है आपको? रीजन कुछ नहीं, बॉलिंग स्ट्रेटेजी बहुत खराब है उनकी, बॉलिंग लाइनअप बहुत खराब है, बहुत सही, दे हैव वेरी गुड बैट्समैन तब भी वो लोग की बॉलिंग लाइनअप खराब है और कुछ नहीं है। आपके अकॉर्डिंग उनको थोड़ी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, बैटिंग थोड़ी लाइनअप कम करके बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और कुछ नहीं है। ओके, इंडियन वर्ल्ड कप टीम में आप मिडल ऑर्डर में किसको देखना चाहोगे? मिडल ऑर्डर में देखना चाहूँगा मैं, देखिए आप फोर्थ पे अगर मैं देखना चाहूँगा MS को। ओके, और फिफ्थ पोजिशन पर राइडू को देखना चाहूँगा। ओके ठीक है, राइडू को आप लेना चाहोगे? हाँ राइडू को लेना चाहूँगा, अदरवाइज मैं विजय शंकर को भी लेना चाहूँगा। ओके, क्या लगता है आपको ये IPL कौन जीतेगा? हम तो धोनी सपोर्टर हैं तो CSK ऑब्वियस है। CSK तो नहीं जीतेगी भाई, CSK जीतेगी भाई, मुंबई के एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम तो CSK और कोलकाता नाइट राइडर्स है। CSK और कोलकाता, और उन दोनों में से किसी को जिताना चाहोगे, उनमें से किसको जिताओगे? जो जीतेगा वो। दोनों अपने घर में तो आएंगे है ना। ये कोहली को फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? धोनी को फिट रहने के लिए क्या खाना पीना चाहिए? नॉन फिश नो। तो बताओ ना आप, आप क्या खा, फिट रहने के लिए आप क्या खाते पीते हो? मैं फिट रहता ही नहीं हूँ। ये इनकी मम्मी है, ये नहीं रखती होंगी इनको फिट, मम्मी ज्यादा खिलाती है। कौन सा पसंद है? चीज बटर बहुत पसंद है, चीज बटर पार्सल भाई के लिए। आरसीबी की बॉलिंग लाइन बहुत घटिया है, बॉलिंग लाइन में उसको बहुत चेंज करना है। लाइक वो 200 बनाते हैं तो वो खा लेते हैं, हाँ 200 बनाते वो भी खा लेते हैं, बॉलिंग लाइन को चेंज करनी चाहिए बॉलिंग लाइन। और बैटिंग लाइन तो ओके है लेकिन बॉलिंग लाइन बहुत घटिया है।
सर मैं आईपीएल को लेकर आया हूँ कि 2008 से लेकर 18 तक जो आरसीबी की किस्मत चल रही है थोड़ी सी गंदी है, बहुत गंदी है या बोल सकते हैं, तो आपको क्या लगता है किसको सपो आरसीबी का हारने का कारण क्या है? द मेजर रीज़न फॉर आरसीबी लूजिंग इज़ आई थिंक द बॉलिंग अटैक, दे डोंट हैव प्रॉपर बॉलिंग अटैक. So you see, there are not much of the faster pacers are there compared to other teams. They have a good spinning option, but तेज bowling जो बोलते हैं वो उनकी team में बहुत ही late है. इससे जो टीम का जो कंपोजिशन होना चाहिए ना जो नहीं हो पा रहा है. इससे बढ़िया प्लेयर KKR में नहीं है, लेकिन KKR की टीम रिदम में चल रही है. okay. उनकी टीम रिदम में नहीं चल पा रही है, उसकी वजह से उसको फॉल्ट हो रहा है. तो आप किसके सपोर्टर हैं? आई एम KKR. KKR सपोर्टर. ओके. आप इंडियन 2019 में इंडियन क्रिकेट टीम में मिडिल ऑर्डर में किसको देखना चाहोगे? मिडिल ऑर्डर में तो MS धोनी और हार्दिक पंड्या. बॉलिंग बस बॉलिंग रीजन वही है. आपको आइडिया नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब पे आने के लिए आई है. ओके. कोई नहीं मैम. मैम आपको इंडियन टीम को तो आप सपोर्ट करते हो ना, उसमें तो आइडिया है. इंडियन टीम में वर्ल्ड कप के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे इंडियन टीम को? वर्ल्ड कप आने वाला है अभी, आप बता दो. आप खुद देख रही है मुझे. बेस्ट ऑफ लक इंडिया. मिडिल ऑर्डर में किसको देखना चाहोगे आप? मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या. इसको मतलब फील्डिंग उसकी खराब है, इसको बैटिंग चेंज कर देना चाहिए. बदल डाला विराट कोहली का, सिर्फ आरसीबी का बदलना, इंडिया का नहीं. नहीं, विराट कोहली तो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको मतलब अपनी टीम को तो क्या कैप्टन करना नहीं आता उसको. कैप्टनशिप करनी नहीं आती उसको. ओके. तो किसको आती है कैप्टनशिप करनी? वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी. छुपा आगे रख रही है मैडम, नहीं बता सकती. तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईपीएल में आरसीबी जीतेगा? वेरी लेस, बिकॉज टिल नाउ 5 मैच दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट. So there are very less chances, but still I am big fan of RCB. Still let's hope. ये भाई पहला फैन मिला है, इसके ऊपर थोड़ा सा जूम किया जाए, भाई को देख लिया जाए, पहला RCB फैन मिला है मुझे. ये भाई इसको मैं मानता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ. 11 साल से सपोर्ट कर रहा है भाई, और आज भी कभी ना कभी तो जीतेगा आई थिंक. भाई बड़ा फैन है भाई, कोई अब की बार जीतेगा आपका. चलो थैंक यू. तो दोस्तों आप किसको जिताना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर रहे तो भाई कोई जोर ना आता. और भाई मैं हूँ मुंबई इंडियंस का फैन, आप जिसके भी फैन हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और हम दुआ करेंगे आरसीबी ये वाला आईपीएल जीत जाए.